नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। आतंकवाद का पुतला फूंक उदयपुर की घटना पर हिंदू जागरण मंच ने जताया रोष। मौलाना मदनी जमीयत उलमा ए हिंद सहित देवबंद पर कार्रवाई की मांग। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में उदयपुर की घटना को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंक अपना विरोध जताया। साथ ही विमल द्विवेदी ने मौलाना मदनी व देवबंद के उन मौलानाओं पर भी कार्रवाई की मांग की जो लगातार जहरीली तकरीरें करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मौलाना मदनी ने देवबंद में जहर उगला था। साथ ही उन्होंने देश में जमीयत उलमा ए हिंद पीएफआई आदि को प्रतिबंधित करने की मांग की जो लगातार देश में आतंकियों की पैरवी कर उन्हें कानूनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। विमल द्विवेदी ने कहा कि उदयपुर की घटना पर पूरे हिंदू समाज के लिए चेतावनी है, इसलिए हमें मूल पहचान हिंदू के साथ एक होकर आगे आना होगा, तभी इस कबीलाई मानसिकता से लड़ा जा सकता है। साथ ही उन्होंने हथियारों को जल्द फांसी देने की मांग की। वह हथियारों के रिश्तेदार नासिम आदि जिनके घर हथियारे 8 दिन से रुके थे उन्हें भी फांसी देने की मांग की। इस अवसर पर मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह, सिंगर नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, विधि प्रमुख अमित तिवारी, उपाध्यक्ष विक्रम द्विवेदी, शिवम आजाद, मनीष मिश्रा, नगर मंत्री मयंक मिश्रा, मीडिया प्रभारी राहुल राम, विमल दीक्षित, राहुल सोनकर आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्टर ललित कुमार। जो हिंदुओं पर आघात किया जा रहा है लगातार, हिंदुओं पर जो खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह से आप देखे होंगे कि एक आम जनमानस, एक गरीब आदमी को सिर्फ इस बात पर डाल दिया गया कि एक उसने अपने समर्थन में नुपुर शर्मा जी का उसने डीपी लगा लिया उसके बच्चे ने, और उस पर हत्या कर दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं पर लगातार ये नजरें गड़ाए हुए हैं, नेताओं पर, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है। मैं इस तरह से पूरी तरह से माननीय अमित शाह जी से, माननीय योगी जी से ये मांग करता हूँ कि जिस तरह से मौलाना मदनी द्वारा जहर लगातार हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध और हिंदू देवताओं के विरुद्ध लगातार जहर उगला जा रहा है, और देवबंद में तमाम ऐसे मौलाना हैं जो लगातार इस तरह से बयानबाजी, इस तरह से जहर उगल रहे हैं, इन पर लगातार पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, और जमीयत उलेमाए हिंद और पीएफआई जैसे देवबंद सहित सभी संगठनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई है, उनके हत्यारों को सख्त से सजा देते हुए उन पर फांसी की कार्रवाई होनी चाहिए, यह हिंदू जागरण मंच की मांग है। और ये जो कल उदयपुर की घटना हुई है, ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं को एक तरीके से चेतावनी है, और मैं हिंदू समाज से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि वो संगठित रहें, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। और इस तरह से लगातार जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, इसमें कल मेरा भी नंबर हो सकता है, कल आपका भी नंबर हो सकता है। इस घटनाओं को लेकर लगातार हिंदुओं को जागरूक रहना होगा, तभी वो सुरक्षित रह सकते हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।